बड़ा करम है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो PSDP प्रोजेक्ट है इसको हमने फास्ट ट्रैक पे डाला है। बीच में कुछ मसाइल आ गए थे क्योंकि कुछ मशीनरी की इंपोर्ट का मसला था, LCs नहीं खुल रही थी। उसमें मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस मिनिस्टर से और उनके SAPM से रابطہ किया और उन्होंने देवर काइंड इनफ उन्होंने स्टेट बैंक को डायरेक्ट किया कि इनकी मेडिकल इक्विपमेंट को प्रायोरिटाइज करके रिलीज़ किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी मेडिकल इक्विपमेंट रिलीज़ हो गई है, वो भी पहुँच रही है, कुछ पहुँच चुकी है। और उसके अलावा डॉक्टर्स की जो और स्टाफ की हायरिंग है उसके लिए भी मैंने प्लानिंग कमीशन से रابطہ किया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह PC4 हमारा अगले 2-3 दिनों में हो जाएगा अप्रूव और हमें तकरीबन 200-250 पोजीशन मिल जाएंगी जिसकी हम रिक्रूटमेंट साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे। अंदर आपने देख लिया है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जून तक इसमें 3-4 चीज़ें हैं वो फुली फंक्शनल हो जाएं, OPDs 100% फंक्शनल हो जाएं, लैब्स 100% फंक्शनल हो जाएं, फार्मेसीज फंक्शनल हो जाएं और एक और दो OTs वो फंक्शनल हो जाएं। तो इनिशियली हम 40 डॉक्टर्स को एंगेज करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे प्लस सपोर्टिंग स्टाफ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको ऐड करते रहेंगे। तो ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है और अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित और उसके गिरदे नवा डिवीज़न में ये बहुत सारे लोगों की दिल की बीमारियों की ज़रूरियात को पूरा करेगा और इसके कुछ महीनों बाद यहाँ पर फिर सर्जरी की भी सहूलियात फराहम हो जाएंगी, इक्विपमेंट तब तक पहुँच जाएगा और अल्लाह ताला करेगा कि ये अच्छी खबर लेकर आएगा, वो सिलसिला कम हो जाएगा जी। 100% तो कहीं भी नहीं होता लेकिन काफ़ी हद तक जो गरीब लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, जो नीचे ट्रैवल नहीं कर सकते, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी उनके अपने शहर में अपने सूबे में मिलेगी। और एक्सपेंड हो रहा है अभी, इंशाल्लाह 250 बेड का हॉस्पिटल उधर बन रहा है, स्कर्दू में इंशाल्लाह तकमील के मराहल में है, चिलास में CCU बन गया है, यहाँ पर भी CCU भी बन रहा है, सॉरी ICU भी बन रहा है, तो बेड्स भी आ जाएंगे। और बड़ा आपने अंदर देखा है कितनी अच्छी फैसिलिटी है और अल्लाह करेगा अच्छे दिन और भी आएंगे। तो शहीद सैफुर रहमान हॉस्पिटल है ये, काफ़ी दिनों से ये इसकी फाइनलिटी पेंडिंग थी और फॉर नो रीज़न, और फिर हमने डिसाइड किया है कि इसको इमीडिएटली फंक्शनल किया जाए। इसमें हमें 2-3 हफ्ते लग जाएंगे लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ थे, जैसे इसमें पानी का इशू था, उसके लिए आपने देख लिया यहाँ पर बोरिंग शुरू हो गई, इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन तक अच्छा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर निकल आएगा। फिर इसको डेडिकेटेड लाइन एक कनेक्ट करनी थी, वो भी इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों तक वो वायर कनेक्ट हो जाएगी। फिर इसका एक रोड का था जो एक्सेस रोड का, वो भी इंशाल्लाह काम उस पर हो रहा है, वर्क्स डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। फिर इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग सिटी हॉस्पिटल है वो सिर्फ मदर एंड चाइल्ड का रह जाएगा, 140 बेड का, तमाम वो केसेस सिर्फ भरेंगे, बाकी सारे यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर टोटल 7 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिसमें से 5 फंक्शनल हो जाएंगे इमीजिएटली और बाकी इक्विपमेंट सारा आ गया है, उसको हम अनबंडल करके उसको इंशाल्लाह 2-3 दिनों में यहाँ प्लेस करना शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह हमारी तवक्को है कि हम 15 तक इसको इंशाल्लाह तक इस हॉस्पिटल को फुली फंक्शनल करेंगे ताकि GB के अवाम को एक बेहतर सहूलत और गिलगित के अवाम को सहूलत मिल सके, तमाम अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे बेड्स, अच्छे रूम्स, अच्छी क्वालिटी सर्विस। और ये और मैं तकरीबन हर दूसरे दिन यहाँ विज़िट कर रहा हूँ, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ शॉर्टेजेज़ हैं, जहाँ जहाँ इनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दरकार है वो हम फुली एक्सटेंड कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर पेश क्यों डेज क्यों शहीद सैफुर रहमान की बात करें तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज और खसूस जो ट्रेंड स्टाफ हैं, टेक्निकल स्टाफ हैं, वो बहुत कम है और ना होने के बराबर है। खसूस पेश क्यों ये डेज क्यों के अंदर ये रोज़ाना सुनने को मिल रहा है, जब भी कोई वीकनेस होती है तो कहते हैं कि यार स्टाफ नहीं है, टेक्निकल आपकी बात तो आपकी बात तो वो उनको फुलफिल करने के लिए क्या है कोई 2-3 ऑप्शन है। एक तो ये कि जब आप रेगुलर ऐड देते हैं क्योंकि यहाँ के लोकली ट्रेन बंदे नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे तो क्या करें, अब डाउन से भी बंदे आ नहीं रहे तो, और जो ट्रेन हो भी जाते हैं उनको पाकिस्तान में अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं कि नर्सिंग सारी दुनिया में एक शॉर्टेज है इनकी। तो अब हमने यही सोचा है कि अगर हम शॉर्ट टर्म में ना मिल सका तो हम मार्केट से हायर करेंगे। ये जो शिफा का मॉडल है, देखें एक आम आदमी है ना, एक गरीब आदमी, बीमार आदमी है, उसको मेडिकल सर्विस चाहिए, उसको इलाज चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए कि ये सरकारी है, नीम सरकारी है, मार्केट से आया, उसको अच्छा डॉक्टर चाहिए। तो जब तक हमारी रेगुलर फीडिंग कार्डर नहीं आता, रेगुलर लोग यहाँ के ट्रेन नर्सिंग स्कूल्स नहीं बनते, हमें डाउन से लाना पड़ा, कराची से लाना पड़ा, लोगों को हम वो इंशाल्लाह सर्विस देंगे और वो हमने प्लान बना लिया है इंशाल्लाह। अभी आपने देख लिया कि यहाँ पर दोनों अस्पतालों में मिला के 11 कंसल्टेंट्स आ गए,
शिफा के? मेरे पास पांच आए हैं सर। पांच उधर आए, उधर छह, वहाँ ग्यारह यहाँ आ गए। तो अच्छे कंसल्टेंट्स आपकी 235 सीट्स हमने एडवर्टाइज अभी कर दी हैं सर, टेस्टिंग एजेंसी को दे दी हैं सारी पैरामेडिक्स की। पैरामेडिक्स की भी हमने ईद के बाद टेस्टिंग, अल्लाह करे उसमें लोग हमें मिल जाएं। अगर नहीं मिलेंगे तो हम मार्केट से लाएंगे, अब जगह खाली नहीं रखेंगे, लोगों को सर्विस मिलेगी। ये इनोवेशन गवर्नेंस की हम करेंगे, ठीक है? अब आप एक विजिट करा लेते ताकि आप उसको देखें।